सब्सक्राइब कीजिए इन टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, सोशल मीडिया तो हम सभी यूज़ करते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर वगैरह, और इनकी हैवी ऐप्स को भी हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, जिससे हमारे फ़ोन की रैम और मेमोरी बिल्कुल ही भर जाती है और फ़ोन हमारा हैंग होने लगता है। दोस्तों, आपकी इसी समस्या का सलूशन मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक लाइट ऐप में इन सभी को इंस्टॉल कर सकते हैं और बड़े आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आगे ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन, आप देख रहे हैं एन टेक्निकल। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, हम आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस लाते रहते हैं। और वीडियो को लाइक तो अभी कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। दोस्तों, इस ऐप को इंस्टॉल कहाँ से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको अपने प्ले स्टोर पर जाना है। दोस्तों, सिंपली आपको अपने प्ले स्टोर पर आना है और यहाँ पर सर्च करना है हरमेट, और ये ऐप आपके सामने निकल के आ जाएगा। दोस्तों, आपको यही ऐप इंस्टॉल करना है। इसका लोगो आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ और काफ़ी अच्छी रेटिंग इसको मिली हुई है। यहाँ से 4.6 की रेटिंग इसे मिली हुई है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। हम इसे यहाँ से ओपन करते हैं और कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। नीचे दिए गए इसके कुछ इंस्ट्रक्शन इस पर यहाँ पर दी गई हैं, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। और नीचे प्लस के निशान पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऐप्स खुल जाएंगी, जो भी आप इसमें ऐड करना चाहते हैं वो ऐप्स के लाइट वर्जन आप यहां से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इसमें काफ़ी ऐप्स दी गई हैं, फेसबुक मैसेंजर और ट्विटर वगैरह, लगभग सभी सोशल मीडिया की और पॉपुलर ऐप्स इसमें दी गई हैं। इंस्टाग्राम वगैरह जो हम अक्सर यूज़ करते हैं, और जो सबसे हैवी ऐप्स होती हैं जैसे फेसबुक अगर हम यूज़ करते हैं तो मैसेंजर हमें इंस्टॉल करना ही पड़ता है, और ये दोनों ही ऐप्स लगभग 500 MB की हो जाती हैं, जो कि हमारी 500 MB रैम की मेमोरी को कंज्यूम कर लेती हैं, जिससे हमारा फ़ोन हैंग भी होता है। और अगर आपके फ़ोन में 1 GB रैम है तो आप ये दो ऐप्स ही इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप तीसरी ऐप इंस्टॉल करने जाते हैं तो हम फुल मेमोरी बताने लग जाता है, लेकिन इस ऐप से आप इन सभी ऐप के लाइट वर्जन यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे ऐप्स को ऐड करके दिखाता हूँ। दोस्तों, ये ऐप बोलता है कि आप फ्री में दो ही ऐप्स को इंस्टॉल इसमें कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें लगभग 4 से 5 ऐप्स यूज़ की हैं और वो सभी इसमें ऐड हो जाती हैं। देखिए, ये ऐप यहाँ पे इसमें ऐड हो चुका है और इसका एक शॉर्टकट हमारी स्क्रीन पे भी बन चुका है। जैसे यहाँ पे हेलमेट दिया गया और यहाँ पे एक फेसबुक का शॉर्टकट हमारी स्क्रीन पे बन चुका है। हम इसे जैसे क्लिक करते हैं तो ये ब्राउज़र के शक्ल में खुल जाएगा। इसकी इधर कुछ सेटिंग्स दी गई हैं, आप यहां से इसमें सेटिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि आप टेक्स्ट फॉन्ट के कलर्स चेंज कर सकते हैं, और यहां से आप जैसे फुल स्क्रीन यूज़ करना चाहते हैं फुल स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, फ्रेमलेस यूज़ करना चाहते हैं फ्रेमलेस भी यूज़ कर सकते हैं, और कुछ बेसिक इसमें सेटिंग्स दी गई हैं, आप अपने हिसाब से उसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि थीम हुई, बुकमार्क्स हुए, जो भी आप इसमें यूज़ करना चाहते हैं सेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। और आप इसमें बड़े ही लाइटली फेसबुक को यूज़ कर सकते हैं और अपने फ़ोन की मेमोरी को बचा सकते हैं। दोस्तों, हम इसमें कुछ और ऐप्स को भी ऐड करके मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हम यहाँ से जिसे हम यूज़ करते हैं, जैसे हम इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो इंस्टाग्राम भी इसमें ऐड हो गया। जैसे ये ऐप बोलता है कि आप दो ऐप फ्री में इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 4-5 ऐप्स ऐड करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने 4 से 5 ऐप्स इसमें ऐड की हुई थी पहले। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 ऐप्स ऐड हो गई हैं और इनके सबके शॉर्टकट हमारी स्क्रीन पे बन चुके हैं। ये काफ़ी अच्छा फीचर इसमें दिया है कि सबके शॉर्टकट ऐसे बन जाते हैं जैसे ओरिजिनल ऐप्स के शॉर्टकट हैं।
क्योंकि मेरे फ़ोन में फेसबुक और इंस्टाग्राम की ओरिजिनल ऐप्स भी हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं ऊपर यहाँ पे इंस्टाग्राम की ओरिजिनल ऐप है और यहाँ पे फेसबुक की ओरिजिनल ऐप है, जैसे कि यहाँ ऐसे खुलती है और ये इंस्टाग्राम और ये ऐप मैं आपको अब ओपन करके दिखाता हूँ। ये इनके लाइट वर्जन है और बड़े ही अच्छे और बड़ी आसानी से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ओरिजिनल ऐप की तरह ही ये वर्क करेंगे, वैसा ही बिल्कुल इंटरफेस इनका होगा, क्योंकि मैंने पहले इन्हें यूज़ किया था। जैसे ये मैसेंजर है दोस्तों, यही सबसे हैवी ऐप्स होती हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैसेंजर। तो आप लगभग ये 2 MB की ऐप में हरमिट जब आप डाउनलोड करेंगे तो लगभग 2 MB की ऐप होती है, और अपना सेटअप लेने के बाद ये 11 से 12 MB की ऐप में कन्वर्ट हो जाती है। इससे ज़्यादा ये मेमोरी हमारे फ़ोन की यूज़ नहीं करती। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी ऐप है, इसे यूज़ करके देखिए। अगर कोई दुविधा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज़ लाते रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।